हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IAS यात्रा। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए फायरफ्लाई वर्ड डाइवर्टर यूज़ किया जा रहा है। तो ये फायरफ्लाई वर्ड डाइवर्टर होता क्या है और ये किस प्रकार से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को खतरों से बचाएगा और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को किस प्रकार के खतरे हैं जिससे बचाने के लिए फायरफ्लाई वर्ड डाइवर्टर का यूज़ किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं और जानते हैं इसके विषय में। तो सबसे पहले जानते हैं चर्चा में क्यों है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी WCS भारत के साथ मिलकर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की घनी आबादी वाले स्थानों पर एक अनूठी पहल के माध्यम से उन क्षेत्रों में ओवरहेड बिजली लाइनों पर फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर नामक युक्ति का प्रयोग किया है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी न्यूयॉर्क स्थित एक गैर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य दुनिया के सबसे बड़े जंगली स्थानों को 14 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में संरक्षित करना है। फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर क्या होते हैं ये जान लेते हैं। फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर विद्युत लाइनों पर स्थापित फ्लैप हैं। वे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसी पक्षी प्रजातियों के लिए प्रावर्तक के रूप में काम करते हैं। पक्षी उन्हें लगभग 50 मीटर की दूरी से पहचान सकते हैं और बिजली की लाइनों से टकराव से बचने के लिए अपनी उड़ान का मार्ग बदल सकते हैं। छोटे पक्षी उड़ते समय अपनी दिशा बदल सकते हैं, लेकिन बड़ी पक्षी प्रजातियों के लिए उनके शरीर के वजन और अन्य कारकों के कारण यह मुश्किल है। क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड न्यूनतम दृश्य क्षमता अधिक वजन वाले पक्षी होते हैं, इसलिए उन्हें अपनी उड़ान मार्ग को तेज़ी से बदलना मुश्किल होता है, भले ही वे एक जीवित तार या लाइव वायर के सामने आ जाएं। डाइवर्टर को फायरफ्लाइज कहा जाता है क्योंकि वे रात में बिजली की लाइनों पर चमकते हुए जुगनू की तरह दिखाई देते हैं। तो यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के डाइवर्टर होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं। ये बिजली की लाइन पर लगा हुआ है, काफ़ी तरह के डाइवर्टर होते हैं ये। पृष्ठभूमि जान लेते हैं। तो पर्यावरण मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में थार क्षेत्र में कई ओवरहेड तारों के साथ बिजली लाइनें, विशेष रूप से उच्च वोल्टेज संचरण लाइनें, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए सबसे बड़ा खतरा है और लगातार उच्च मृत्यु दर का कारण बन रही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हालिया सुनवाई में निर्देश दिया कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आबादी वाले क्षेत्रों में बिजली लाइनों को भूमिगत रखा जाए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के विषय में जान लेते हैं। तो यह दुनिया के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। वैज्ञानिक नाम है इसका ऑडियोटिस निग्रीसेप्स। पर्यावास के विषय में जान लेते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आमतौर पर न्यूनतम दृश्य क्षमता और शांति के साथ समतल खुले मैदानों में रहना पसंद करते हैं, इसलिए घास के मैदानों में अच्छी तरह से अनुकूलन करते हैं। इसकी ज़्यादातर आबादी राजस्थान और गुजरात तक ही सीमित है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ये कम संख्या में पाए जाते हैं। सुरक्षा की स्थिति क्या है ये जान लेते हैं। तो IUCN स्टेटस है इसका गंभीर रूप से संकटग्रस्त अर्थात क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और साइट्स के अपेंडिक्स वन या परिशिष्ट एक में शामिल है। ये इसमें शामिल प्रजातियाँ लुप्तप्राय जिन्हें व्यापार से और भी अधिक खतरा हो सकता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल वन में शामिल है ये। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत वन्य जीव प्रजातियों एवं उनके आवासों के एकीकृत विकास के रिकवरी कार्यक्रम में से एक है। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियन एलिफेंट और बंगाल फ्लोरिकन को गांधीनगर गुजरात में आयोजित प्रवासी प्रजातियों पर अभी समय के 13वें कॉप अर्थात कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र माइग्रेटरी स्पीशीज अर्थात CMS कन्वेंशन के परिशिष्ट एक में शामिल किया गया है। ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, आप इसे विषय में जानते होंगे। खतरे क्या क्या हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को वो जान लेते हैं। विद्युत लाइनों के साथ टकराव, शिकार अभी भी पाकिस्तान में प्रचलित है, सिंचाई और खेती की तकनीक, खनन, पवन टरबाइन और सौर फार्म, फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन, वनों और घास के मैदानों में वनों की कटाई के नाम पर विदेशी वृक्षों और वृक्ष प्रजातियों का रोपण। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो से ज़रूर कुछ जानने, समझने और सीखने को मिला होगा। और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की डेली करंट अफेयर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए ऑल की नोटिफिकेशन के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स, यदि आपके कुछ प्रश्न हैं तो उनको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे उसका आंसर देने में खुशी होगी और मैं उसका आंसर जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।